लातकाना प्रेड आगर प्रेड जागर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सारे ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज मैं ये ब्लॉग यहाँ स्कूल में आकर बना रही हूँ और बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है इस ब्लॉग को स्टार्ट करने का, लेकिन ये ब्लॉग अभी हमें स्टार्ट करना ही था क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन है। आज मम्मा वाले के स्कूल में फंक्शन है जहाँ पर मैं मेकअप कर रही हूँ। ओके, अभी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। अभी जो है मैं वहाँ पर देखी वो जो गर्ल्स खड़ी हैं उनका मेकअप करने जा रही हूँ। ये मेरे पास है शॉपर जिनसे उनका मेकअप करना है, तो अभी चलो जल्दी चलते हैं। एंड आई होप मैं अच्छी भी लग रही होंगी, वो मुझ पर हंस रहे हैं मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो। सारे डोर्स क्लोज है, मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ, जहाँ से खुला हुआ होगा मैं वहाँ से ही जाऊँगी ना। सारे डोर्स बंद है। वालेकुम अस्सलाम। वाओ लुक एट दिस, आज कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेशन करवाई है। आई एम लविंग इट। ये बहुत अच्छी लग रही है, इनकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी हमारे जाने के बाद इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन यहाँ पे होंगी। ऑलरेडी वैसे भी होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मानना पड़ेगा। और मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ और वहाँ पर उनका मेकअप रहता है, और आई डोंट नो वो लोग ब्लॉग में आना चाहेंगे या नहीं, इसलिए मैं वो थोड़ा कम दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा। मुझे यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ ना, इवन मेरी फ्रेंड्स नहीं आती हैं, थोड़ी सी याद आती है मुझे सबकी, अपने क्लास फेलोज की या जैसे हम यहाँ पे सब आते थे, पर मुझे बहुत मज़ा आता है अकेले को भी। मैं कभी यहाँ घूम रही हूँ, कभी वहाँ घूम रही हूँ, अभी मैं फिर से वहाँ जा रही हूँ। मतलब आई डोंट नो इस बार मेरे साथ हो क्या रहा है। आप ही तान फेस न तो अच्छे सही न सही न मैं जिनका मेकअप कर रही थी डैड लाइक आप ही, आप तो रोज केएफसी जाती है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, वो भी देखो वो ब्लॉग कर रही। चलिए हमारे जूनियर है। और एक मज़े की बात ये कि जब हमारा पूरा जो है स्कूल लाइफ थी, जब हम पूरा स्कूल में पढ़ते थे, तो ये हमें ऐसे बोलते थे, यही बच्चे इतने छोटे छोटे जो हमें अभी आप ही बुला रहे हैं, नाइन्थ के बच्चे, वो कहते थे टीचर एल्सा को देखो, मतलब सिंधी में मिस एल्सा की दसो, मतलब एल्सा। अभी वो मुझे कह रहे हैं हम आपको आप ही बुलाएं। मैंने कहा जो भी दिल करे बुलाओ, मुझे कुछ नहीं होता, आप ही बुलाओ, कुछ भी बुलाओ। लेकिन या तो ये थोड़ी इज्जत बढ़ गई है या तो थोड़ा पता नहीं क्या, हम थोड़े बड़े हो गए। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने बोला आप ब्लॉगिंग करती हैं ना, हम आपको फॉलो करते हैं। वहाँ पे इनका ये सल्यूट वगैरह चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। सर वाले करवा रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। बस सही है, बॉडी है।
ये भी बैठो मैम वही बैठो मैं जल्दी क्यों पापा मुझे नहीं जाने में आना था. हेलो मुंता, हेलो तस्वीर. थैंक यू सो मच. आओ आओ जल्दी इधर आओ. स्क्रीनशॉट ले ले हमारा. तो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स हर चीज का दिखा रही हूँ. ये हमारा हेड बॉय और खिजर. हेलो खिजर, हाय. हाय गाइस, जस्ट जोकिंग. और ये गर्ल्स जो वेलकम के लिए बैठी हुई हैं. हाय हाय इल्सा. हाय हाय इल्सा. हेलो हेलो. हाय हेलो हमारा. चलो सब उठकर आओ, हम एक ऐसे सेल्फी बनाएंगे. मैं जिसको भी देख रही हूँ उनको कह रही हूँ आ जाओ सब, जैसे हम आओ सब. आई होप हम सब आ रहे हों. नहीं मैं नहीं आ रही हूँ. आ रहे होंगे. चलो रुको रुको, ऐसे चारों भी आ गई. बोलो सब्सक्राइब करो. बोलो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. आप हमारे इल्सा इल्सा खिजर शेख. इनको नाम भी नहीं पता लेकिन हाँ सब्सक्राइब करो. मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? हाँ इनको पता है, उसने ही बता दिया. मैं अपने सारे ब्लॉग देखती हूँ. थैंक यू. हमारा लाइक भी किया करो. लाइक करती हूँ तुम्हारे ब्लॉग. तुम हमारा हो, तुम दुआ हो ना. दुआ. ओके मैं आपको दिखाती हूँ. नहीं नहीं मैं उसको नहीं करूँगी. बुधाई जो सर जल्दी रेडी हो जाता है. अभी ये सब एडजस्ट हो रहे हैं पिक्चर के. इनकी पिक्चर्स निकल रही हैं यहाँ पर. गोइंग विथ मामा इस पर देखने. या फिर मैं स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए सब कूल रह रहे हैं हमारे. मामी आया मुख्य भी. One eternity later. पता नहीं क्यों मम्मा ने बुलाया एल्सा को. तो ये हमारे मैथ्स टीचर है. अच्छा सर फोटो. तो अभी जो है यहाँ पे ये पिक्चर्स निकलवा रहे हैं फोटोग्राफर से. फिर से एल्सा को पता नहीं क्यों बुलाया गया है. ये जो है ना बार बार बुला रहे हैं कि यार आओ आप रिकॉर्डिंग देख लो, आपको रिकॉर्डिंग करनी है. तो ये मुझे पूरा समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे इनका पासवर्ड है फ़ोन का ये सब, तो इसलिए ये मुझे बार बार बुला रहे थे. अभी भी फिर से मैं गिरने वाला था. भैया मेरी पिक्चर्स निकालो, ये फिर से मुझे बोलेंगे आओ वीडियो बनाओ. अभी मैं एल्सा की वीडियो बना रहा था और फिर से एल्सा को बुलावा आ गया. एल्सा अपनी मोबाइल भूल गई थी. और यहाँ पे जो है हम माइक तो लेके आए लेकिन अभी कोई भी यूज़ नहीं करा है. बस जीरो जीरो पानी लगी. और ये सॉरी आज मेरी इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आई हैं थैंक्स टू खिजर. उसने मेरी इतनी अच्छी पिक्चर्स निकाली हैं एंड आई एम लविंग दिस सनलाइट. इतनी सी सनलाइट मेरे घर में आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी. मेरी अच्छी वीडियोस बन जाएंगी पर ये पॉसिबल नहीं है. ये ऑफिस में अपना घर बना लेती हूँ मे बी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मैम अज़रा के ऑफिस में, हमारी वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में अकेली कभी आकर ऐसे वीडियो बनाऊँगी. कभी नहीं. And see,
आई एम अलोन और मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, अपना ब्लॉग बना रही थी, पिक्चर्स बना रही थी और काफ़ी कंटेंट बन गया टिकटॉक के लिए भी, इंस्टा के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी। खड़े हुए हैं सर वालों के वेट में। स्कूल तहां जो जेकर तहां समझो था तो का भी टीचर जेकर को जाहिर सी वर्ड है, नोबडी इज द परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह। काथे ना काथे काथे वीकनेस इज के मैं काफी शायद टीचर्स से रिव्यू किया था मेरे पर परफॉर्मेंस ऑफ द ओपीएल ब्रिटिश होम ने एक टू गिव अस द ग्रांट ऑफ 5 मिलियन 50,000 ग्रांट था ओपीएल और ग्रांट पे चालू जो बेसिकली पेन मिला है एक गेम की मेरी पिक्चर्स की वजह से सारा स्कूल घूम रहे हैं क्योंकि हमें पूरा खाली स्कूल मिला है, तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम बद्दा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मुझसे जाने दा, अस्सलाम वालेकुम जाओ व्लॉग में सब, अस्सलाम वालेकुम एल्सा, एल्सा शेफ, यस जाओ सब्सक्राइब करो, जाओ सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू थैंक यू। नो तो आज मैं सबको बोल रही हूँ जब भी कैमरा के आए हैं तो बोले सब्सक्राइब करो, बोलो तुम भी सब्सक्राइब करो इस लड़की को। मुझे बहुत जिद है पर आज मेरे पास कोई है नहीं तो मैं इनको पकड़ के घुमा रही हूँ अपने साथ, लेकिन घुमा रही हूँ मुझे लगता है कि मैं इस सॉन्ग पे मैं भी कोई रील बनाऊँ। आँखों में बसे हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन। ओ सनम मेरे तेरे और मेरे आई डोंट नो मेरे तेरे प्यार मेरे प्यार की कसम। बिकॉज पता नहीं क्यों बस आज ऐसे मैं ये कभी सुनती भी नहीं हूँ लेकिन आज मुझे बस ये पता नहीं क्यों खुद ही हो रहा है, लेकिन आज मेरा मेकअप इतना अच्छा हुआ है और ये मरियम परवेज़ का ग्लॉस, ठीक है मैं इतना अच्छा कोई ग्लॉस ढूंढ रही थी, ये मुझे एंड ग्लॉस मिला है, मुझे कोई 3-4 घंटे हो गए हैं और ये अभी तक लगा हुआ है और मेरा मेकअप उफ आफत बहुत अच्छा हुआ है, पूरा मुंह शाइन कर रहा है ना, इतना कोई गोरा हो गई हूँ मैं, लेकिन या आई एम लविंग माई लुक टुडे। वैसे मैं जब भी तैयार होती हूँ मुझे मैं खुद को अच्छी लगती हूँ।